सो गाइज, ये जो फोटो आप देख रहे हो वो था ड्यूल एक्सपोजर। सो ये जो कैमरा है ये है सिग्नी मार्क 2, और इसमें जो है ड्यूल एक्सपोजर का फोटो क्लिक करना है। तो पहले क्या करना है, तो इस तरह की फोटोग्राफ को क्लिक करनी है। ये मेनू बटन प्रेस कर दिया हमने, इसके बाद आपने कैमरा सेटिंग में जैसे आप आते हो तो आपको चले जाना तीसरे नंबर पर। तो जब हम चले जाते हैं तीसरे नंबर पर, या यहाँ से ओके, ये तीसरे नंबर पर हम आ गए। यहाँ पर होगा मल्टीप्लेक्स एक्सपोजर, इसको आप यहाँ पर डिसेबल होगा तो आपको कर देना है इसको एनेबल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डिसेबल, आप एडेप्टिव रख दीजिए। और उसके बाद है आपने दो शॉट लेने हैं, दो फोटो क्लिक करने हमें, तो नंबर 2 ऑफ एक्सपोजर, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अगर ज़्यादा करना चाहते तो 3 कर दीजिए, 4 भी कर सकते हैं आप। बट हाँ, दो फोटो क्लिक करने में हमारी जो फोटो की इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, फोटो भी अच्छी काफ़ी अच्छी दिखती है, तो इसलिए हम 2 कर रहे हैं। अब इसके बाद करना है, आपने पहले फ़ोटो क्लिक करना है एक कोई भी, ठीक है। सीधा जैसे आप यहाँ से मान लीजिए मैंने ये लाइव बटन ऑन कर दिया है, मैं देख सकता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई भी फोटो क्लिक करूँगा, जैसे कि अभी मैंने कपल का किया है ना। अभी सेटिंग तो आपको पता चली गया है। अब यहाँ पर जो है मैंने अपनी शटर स्पीड रखी है 400 और मेरा एपेचर मैंने रखा है 22, मतलब 22 पे मैंने एपेचर रख दिया है ताकि मुझे चाप फोटो मिले और काफ़ी अच्छी लाइनिंग वाली फ़ोटो भी मिलेगी। उसके बाद मेरा ISO जो है वो मैंने रखा है 200 और केल्विन मैंने बढ़ा दिया है कम से कम 6000 तक, ठीक है। और अब देखिए इसको लाइव कैमरा कैसे करना है। तो देखिए, जैसे ये फोटो हमने बिल्कुल कपल की क्लोजअप लेनी है, जैसे ये भाई की मैं क्लोजअप फोटो ले रहा हूँ, देखिए पूरी डिस्प्ले में क्लोजअप फोटो ले रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने क्लोजअप फोटो मैंने क्लिक कर ली, ये क्लिक हो गई, बीजी थोड़ी देर आएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ना तो वो फोटो यहाँ पर छप गई है, आप देख सकते हो फोटो यहाँ पर थोड़ी सी आपको इसकी जो ओपेसिटी है वो दिखाई देगी आपको। अब दूसरी फोटो मेरे को इसी तरह से क्लिक करनी है। अब ये जो भाई है ये यहाँ पर खड़े हैं, उसकी मैं दूसरी फोटो फुल वाइड एंगल में शॉट करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो अभी जो दूसरी फोटो है वो भी इसमें दिख रही है, देखो दिख रही है ना आपको। अभी भी हम थोड़ा सा इसको फुल वाइड एंगल कर लेंगे और इस भाई को हम कहेंगे थोड़ा सा जो है पोज चेंज कर दे। देखिए पोज चेंज कर दिया अच्छे से भाई ने। अब यहाँ से दूसरी फोटो हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने दूसरी फोटो क्लिक। जब आप फोटो क्लिक करें तो आपको पहली और दूसरी दोनों फोटो एक साथ दिखाई देगी, ठीक है। देखिए और कैसा आउटपुट आएगा वो भी आपको देख सकते हैं। यहाँ पर सही से आप फोकस करके ही क्लिक करें ताकि फोटो आपकी ब्लर ना आए, ठीक है। ये हम उसके ऊपर टच कर रहे हैं ताकि सही से, और ये हमने कर ली क्लिक, तो थोड़ी देर बिजी आएगा और ये हमारा फोटो आ गया, फाइनल आउटपुट आ गया है। तो आप देख सकते हो फाइनल आउटपुट कैसे आया है, थोड़ी देर वेट होगा उसके बाद हमारी जो फोटो है वो छप के आ जाएगी। तो ये देखिए ड्यूल एक्सपोजर में फ़ोटो कैसे बनती है, और इसकी इफेक्ट काफ़ी वायरल भी है, काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, बहुत सारे फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, जैसे कि प्री वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, उसमें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक है। और इसको यूज़ भी करना चाहिए अच्छे से, आपको मतलब एडिटिंग करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो जो है मल्टी एक्सपोजर करके आ जाएगा फ़ोटो, तो अच्छी बात है। वैसे तो हम अपने प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, मुझे लगा थोड़ा सा जो है एक ट्रिक जो है जल्दी से इसको यूज़ कैसे करें। देखिए आपके कैमरे में ये फंक्शन होता ही है, सभी कैमरे में होता है वैसे तो, DSLR कैमरे में, बट हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका यूज़ हमें पता नहीं। दूसरा तो ऑन टाइम हम इसको मतलब कैसे करेंगे सीखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। इसलिए ये वीडियो जो है 2 मिनट का ही है हमारा, ज़्यादा लंबा नहीं है भैया, 2 मिनट का इसलिए बनाया है कि अगर आप प्री वेडिंग में गए हो तो मेरा वीडियो ये सेव कर लीजिएगा, जल्दी से आप इसको अगर भूल जाएंगे तो जल्दी से आप इसको सीख सकते हैं 2 मिनट में मतलब। तो 2 ही मिनट हम का वीडियो हमने इसलिए बना दिया है कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम प्री वेडिंग में जाते हैं तो फिर फ़ोन भी निकाल के बार बार देखना अच्छा भी नहीं लगता, चप्पल को लगता होगा कि भैया ये पोज वगैरह सीख रहा है ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें होती है। और अगर आप ऑनलाइन सीख के उसको बताते भैया ऐसे ऐसे करना, तो थोड़ा इंप्रेशन भी थोड़ा ख़राब होता है भैया, ये सारी चीज़ें होती है। लोग सोचते हैं कि भैया ये फ़ोन से सीख सीख के हमको मतलब पोज वगैरह दे रहा है, तो कोई खास नहीं ये कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कभी भी ऐसे मत करना। हाँ, 2 मिनट का वीडियो है, देख लो और इसको लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए राम डाबी चैनल को हमेशा विजिट करो। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।